फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हॉरिज़न। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है उन नए यूट्यूबर्स के लिए जो अपना नया नया चैनल ओपन कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं यूट्यूब चैनल पे काम करूं और पैसे कमाऊं। एडसेंस है, वो कैसे कमाएगा जब उसके सब्सक्राइबर अच्छे खासे रहेंगे ही नहीं, व्यू आएंगे ही नहीं, तो उसका क्या हुआ? चैनल ग्रो होगा तो कैसे पैसे कमाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कैसे सब्सक्राइबर व्यूअर्स गेन कर सकते हैं और हम क्या क्या गलतियां करते हैं अपने चैनल पे। वीडियो बना देते हैं, अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन गलतियां नहीं देखते उसमें। ऐसे अपलोड कर दिया वीडियो, कुछ भी अपलोड कर दिया, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि कैसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए और किस तरीके से अपलोड करनी चाहिए। आपका कॉन्टेंट क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो लोग व्यू करेंगे, देखेंगे आपकी वीडियो पर, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम माइलस्टोन है वो कंप्लीट हो जाएगा और व्यू आएंगे तो सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। तो कुछ कुछ गलतियां करते हैं कि जिसके वजह से क्या होता है, व्यू नहीं आता तो सब्सक्राइबर गेन कैसे होगा, आप खुद सोचिए। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो हेलो गाइस, वीडियो अपलोड करते टाइम हमें क्या करना है, वीडियो कहीं से अपलोड नहीं करना है, हमें सीधा यूट्यूब ऐप पे जाना है और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर अपलोड वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी एक वीडियो है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे तो नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो। अब दूसरी गलती क्या करते हो आप, ये जो है आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे सब्सक्राइबर वगैरह शो होने लगता है, ठीक है? जो दूसरी गलती है, आप टैग डिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं लगाते हो। जैसे कि देख सकते हो आप मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू फ्री कॉलिंग विथ डेटा और इंटरनेट टू इंडियन नंबर, ठीक है? तो ये वीडियो का टाइटल है ये। अब डिस्क्रिप्शंस में मैंने इससे ही रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है, इससे ही रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शंस वगैरह डालना नहीं भूलिएगा आप लोग। और यहाँ पे आता है पब्लिक, तो अनलिस्टेड भी कर सकते हो। अनलिस्टेड करने से क्या होगा, जो व्यूवर्स हैं पब्लिक है वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं कर पाएगी। और ये प्राइवेट, आप प्राइवेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ मैं। अब यहाँ सेलेक्ट ऑडियंस, ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो है प्लेलिस्ट वगैरह जो आपने बनाई हुई है वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो आप इसे, ठीक है? अब आती है ऐड टैग, टैग वगैरह, ठीक है? तो टैग डाल सकते हो, उस हिसाब से क्या होगा, आपकी वीडियो रैंक करेगी। जब रैंक करेगी तो अच्छे खासे व्यू आएंगे, जब व्यू आएंगे तो सब्सक्राइबर के साथ साथ आपका वॉच टाइम भी गेन होगा। तो इससे क्या होगा, आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है? एक बात याद रखना, जिससे जैसी वीडियो आपने बनाई है, जैसे कि मैंने बनाई है फ्री कॉलिंग के ऊपर, तो उससे ही रिलेटेड आपका टैग होना चाहिए। जैसे कि फ्री कॉलिंग टू इंडियन नंबर, फ्री कॉल इंडियन नंबर, ठीक है? कॉल करें इंडियन नंबर से फ्री में, इंडिया में फ्री में कॉल करें, जो भी करना चाहता है। तो इस तरीके से आप रिलेट होना चाहिए बस आपके कंटेंट से, आपका टैग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मेरा जो रैंकिंग बाय व्यूज़ है बहुत कम है। अगर मेरा जो ये एरो है 50 से ऊपर जाएगा तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट ब्लैक वाला देख रहे हो एरो वैसा होगा, बट ऊपर की तरफ होगा लेकिन वो ग्रीन होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई थी, हाउ टू सॉल्व इन टर्मक्स अनेबल टू लोकेट पैकेज मेटास्प्लॉइट फ्रेम। तो ये वीडियो क्या हुई है, ये वीडियो 1 नंबर पे, क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह अच्छे से दिया था और मैंने वीडियो में जो कंटेंट है वो भी अच्छे से बताया था
ताकि वो व्यूवर्स जो वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को देखता ही रहे, स्किप ना करे। तो कुछ आपको ऐसा कंटेंट लाना होगा, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। लोगों को बस आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपको सीखना होगा, ठीक है, एनालिसिस करो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो है व्यू ये ऊपर की तरफ भाग रहा है और वॉच टाइम भी इतना है। अब मैं यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे तो देख सकते हो अपना रियल वॉच टाइम, ये सब सो, वॉच टाइम भी, व्यू और ऑडियंस रिटेंशन वगैरह सो होने लगेगा। ट्रैफिक इतना, ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च में इतना आ रहा है 37%, ब्राउज फीचर में 21% इतना आ रहा है, ठीक है। डिस्कवरीज वगैरह में जाकर देख सकते हो आप कि इम्प्रेशन कितना गया है, कितने लोग तक मेरा वीडियो पहुंचा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो अगर कोई देखता है, ठीक है, तो दो लोग के पास जाएगी वीडियो, दो लोग देखता है तो चार लोग, ऐसे क्या होता है, इम्प्रेशन जाता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम मतलब ऐसा ही सेट है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट इज किंग, ठीक है, नॉट क्वालिटी। अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है, कंटेंट अच्छा है आपका, तो वीडियो चल जाती है, रैंक कर जाती है। तो यूट्यूब जो YT स्टूडियो है, यहाँ पे भी आपको सब कुछ समझ में आ जाता है और सब कुछ, कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, यहाँ पे मैंने जो जो टैग डाला है, कीवर्ड्स, मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल टर्मक्स, टर्मक्स हाउ टू इंस्टॉल मेटास्प्लॉइट इन टर्मक्स, ये सब जो है ना, ये रैंक कर गया है, ठीक है। इससे क्या है, लोग सर्च कर रहे हैं तो मेरा भी वीडियो उसमें आ रहा है। लोग ज़्यादातर न्यू टॉपिक, जो नया वीडियो है वो देखना पसंद करते हैं। जैसे कि कोई मुझे कालनेक्स वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना हुआ, तो मैं सर्च किया प्रोग्रामिंग, तो उसमें से क्या 2 दिन पहले ही बना हुआ है, तो मैं वो सर्च करूँगा, वो देखूँगा ना वीडियो, ना कि वो पीछे का, क्योंकि वो पुरानी टेक्निक हो चुकी है। तो नई वीडियो में कुछ अच्छा होगा ना, क्वालिटी क्वांटिटी भी होगा सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो बनाएं, इस तरीके से अपलोड करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।